मॉडलिंग के टाइम मॉडलिंग करती हूँ और शूट के टाइम शूट करती हूँ। स्टार्ट हो गई है, चलो यहाँ पे कोई जिन्ना आ जाए। बाय 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 बाय। बकरे बन गई मैं। वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर वेल। सो आज है मेरा पाटा का शूट और हम जा रहे हैं वहाँ पर। लगी थी भूख और मैंने रास्ते से ले लिया अपने लिए सैंडविच और जूस। ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो डाउन रहेगा। मेरी मामा कहती हैं कि हमेशा नाश्ता करके जाना चाहिए ताकि आपका एनर्जी लेवल हाई रहे। अच्छा, हमको सिखा रही है। और आप शूट बहुत अच्छा कर पाए सो इसलिए मैं खा रही हूँ सैंडविच क्योंकि ताकि जल्दी से शूट हो जाए। आई नाउ कि मैं आजकल डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही क्योंकि आप लोगों को मेरे थर्ड ब्लॉग का बहुत इंतजार होएगा। नहीं लेकिन मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही क्योंकि आज हमारा स्कूल का जो समर वोकेशन है वो बहुत ज़्यादा है जो मुझे कंप्लीट करना है और इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही। सो गाइज अब हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और अब चलते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं कि कैसे। मेरा मेकअप हो चुका है मगर मुझे हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। करने लगी आउटफिट चेंज करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने कर लिया है अपना आउटफिट चेंज और हेयर स्टाइल भी चेंज हो चुका है। लग रही है ना स्कूल की बच्ची, छोटी सी क्यूट सी। मैं आउटफिट पहन के बैठी हूँ मगर शूट हो ही नहीं रहा और मैं बैठ बैठ के बोर हो रही हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं जाना चाहती हूँ अपने घर। मुझे प्लीज अपने घर भेज दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। जाना चाहती हूँ, आजाद पंछी बन के फिरना चाहती हूँ। अभी तक हम वेट कर रहे हैं शूट कब होएगा। कितनी गलत बात है गाइस, देखिए मुझे नकली आंसू भी आ गए। यहाँ पे चल रहा है शूट मगर अभी तक मेरी बारी नहीं आई। ये क्या हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना प्यारा व्यू है शूट के बाहर। तो हवा भी बहुत प्यारी चल रही है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आके टिकटॉक की कुछ वीडियो ही बना ली जाए क्योंकि टिकटॉक पे मैंने अभी तक कुछ भी पोस्ट नहीं किया। खाना खाने से और एनर्जी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, फिर बस शूट अच्छा करूँगी। आप लोग भी खाएं। अभी तक शूट नहीं हुआ और मेरी बेचारी सिस्टर भी सो चुकी है और मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। ओके, सो अब हम करने लगे हैं अपने शूट। शुक्र अल्लाह मेरी बारी आ गई है, अब मैं करने लगी हूँ। चलती अपने सेट पर कि कैसा सेट है। मुझे लगा था यहाँ पे शूट है मगर यहाँ पे तो पढ़ाई करना स्टार्ट करती है वो मैथमेटिक्स। नहीं नहीं मजाक करती है, यहाँ पे तो शूट ही हो रहा है। बिरयानी खाते हुए
जी मुझे कब पे लाते जी, मेरा गले सूख रहा है। शुक्रिया अंकल जी। सो फाइनली मेरा शूट हो चुका है, मैं तो हो गई हूँ फ्री। अब हम फ्री हैं तो हम घर चलते हैं। सुबह हम 10 बजे शूट पे आए थे और अभी 6 बज गए और मैंने 8 घंटे शूट पे काम किया है। मैं चाय पीऊँगी, आराम करूँगी और टीवी देखूँगी और आराम से सो जाऊँगी क्योंकि मैं सुबह 10 बजे उठी थी और मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। इन्होंने बहुत ही लेट किया शूट। इन बुक्स को देख के मुझे याद आया कि मैंने घर जाके पढ़ना भी है। इस टाइम बाहर का जो मौसम है वो हो चुका है, बहुत प्यारा हवा चल रही है और बारिश का मौसम है। अब मैं अपना ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ। सो गाइस मेरी बड़ी मामा की बर्थडे आने वाली है तो मैं उनके लिए जा रही हूँ गिफ्ट लेने, उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लूंगी। मेरी सिस्टर ने लेकर ले लिया है मामा की ड्रेस, मगर मेरा माइंड बन रहा है क्यों ना मैं मामा को बैग दे दूँ। मैंने अपनी मामा के लिए ले लिया है बैग, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा बैग है और मैं देखूंगी घर जाके कि उनको ये बैग अच्छा लगता है या नहीं। वगैरह हो गई है और गिफ्ट भी मैंने मामा के लिए ले लिया है। अब हमारा दिल कर रहा है क्यों ना हम देखें मूवी, तो अब हम हॉरर मूवी देखेंगे और बहुत मज़ा आएगा। अब हम अंदर जाने लगे हैं मूवी देखने के लिए, तो चलते हैं। सो गाइज हमने मूवी देख ली और ये मूवी बिल्कुल भी मजे की नहीं थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं मजा आया, बहुत गंदी मूवी थी। डर लगा गाइज, इस वक्त सारा मॉल बंद हो चुका है और हमें बहुत डर लग रहा है कि हॉरर मूवी की तरह यहाँ पे कोई जिन्ना आ जाए। और ये देख सकते हैं आप अब सारा कुछ बंद है, सारी शॉप्स बंद है, यहाँ पे कोई हॉरर सीन ना हो जाए। हाई अब हम चलते हैं अपने घर। मैं आ चुकी हूँ घर और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये है मेरा क्यूटू सा टेडी और ये मुझे मिला था लाइमलाइट के शूट पर। शूट पे मुझे ये लाइमलाइट की तरफ से गिफ्ट मिला था और ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसके बिना मैं समझो मुझे नींद ही नहीं आती। ये मुझे बहुत क्यूट लगता है। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं कि आप स्कूल नहीं जाती, ऐसा पॉसिबल है कि मैं स्कूल ना जाऊँ? क्योंकि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर मेरे पेपर्स में कभी शूट आ जाएं तो मैं शूट नहीं करती क्योंकि पेपर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, शूट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पेपर्स इंपॉर्टेंट हैं। और मेरी अम्मा इस चीज़ में भी डांटती हैं मुझे कि अगर मेरे ग्रेड्स कम आ जाएं तो वो तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटती हैं कि ग्रेड्स क्यों कम आए हैं। इसलिए मैं ज़्यादातर स्टडी पर फोकस देती हूँ और शूट पर भी मैं देती हूँ मगर स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं दिन में शूट करती हूँ और रात में पढ़ाई करती हूँ, मैं बहुत मेहनती लड़की हूँ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि स्टडी के लिए अलग से टाइम निकालना होता है और ज़रूरी नहीं है कि जो शूट करता है और टिकटॉक बनाता है वो स्टडी नहीं करता। नहीं नहीं, स्टडी के लिए अलग टाइम निकालना होता है। ऐसा नहीं है कि जो शूट करता है और टिकटॉक बनाता है वो स्टडी नहीं करता, स्टडी के लिए हमेशा से अलग टाइम निकालना पड़ता है। ये तो मैं इस तरह आप लोगों के लिए बनाती हूँ टिकटॉक। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। आप जैसे कि आप लोग मेरे फैन इतने अच्छे हैं कि आप लोगों ने मुझे टिकटॉक पे भी इतना सपोर्ट किया और यूट्यूब पे भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जाके हमारे सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से आप लोगों का शुक्रिया। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। और यहीं पे मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड होप यू लाइक माई व्लॉग और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय टेडी, बाय कर दो, बाय, लव यू ऑल।